हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये वीडियो है एक बॉटलिंग प्लांट की लैडर लॉजिक के ऊपर। तो हमें पता है कि वहाँ पर किस तरीके से बॉटल फिल होती है ऑटोमेटिक लाइन में और एकदम एक्यूरेसी के साथ। तो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि उसकी एकदम सिंपल सी बॉटल फिलिंग की लैडर लॉजिक किस तरीके से हम डिज़ाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ टाइमर्स ओनली। हम यहाँ पर सिर्फ टाइमर्स का यूज़ करेंगे और कोई अनदर NONC का कोई यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ हम यहाँ पर टाइमर की हेल्प से एक लैडर लॉजिक डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, आप लोग स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं और पॉज करके इसको देख भी सकते हैं और इसको ट्राई भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, अ बॉटल टेक 7 सेकेंड टू बी कम्प्लीटली फिल्ड। इफ द फिलिंग इज इंटरप्ट देन द फिलिंग विल रिज्यूम फ्रॉम द सेम लेवल ऑफ द लिक्विड फिल्ड अर्लियर। वेन द फिलिंग ऑफ वन बॉटल इज कम्प्लीटेड देन अ मोटर शुड रन फॉर 2 सेकेंड्स फॉर चेंजिंग द बॉटल। तो इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि सिंपल सी एक बॉटल है हमारी, वो सिर्फ 7 सेकेंड के अंदर कम्प्लीटली फिल हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए एक 20 लीटर की बॉटल है, वो 7 सेकेंड में फिल होती है। एक वॉल्व के प्रेशर कितना है तो वो 7 सेकंड लेता है उसको फिल करने में। तो हमें क्या करना है कि एक प्रोग्रामिंग ऐसी बनानी है कि वो क्या होगा, जैसे ही वॉल्व के नीचे बॉटल जाएगी वो 7 सेकंड तक का वेट करेगी, अगेन क्या होगा वॉल्व बंद हो जाएगा। वॉल्व जैसे बंद होगा उसके ही नेक्स्ट 2 सेकंड क्या होगी, आपकी कन्वेयर आगे को मूवमेंट करेगी। उससे होगा क्या, जो आपकी बॉटल है उसका वॉल्यूम जितना भी उसने ऑक्यूपाई करा है वो आगे चला जाएगा और नेक्स्ट बॉटल वॉल्व के ठीक करेक्ट नीचे आ जाएगी। तो इसी को हम डिज़ाइन करेंगे, देखते हैं किस तरीके से डिज़ाइन करा है हमने। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास रंग है, सेम हम हर प्रोग्राम में बनाते हुए आते हैं इसको, स्टार्ट स्टॉप लॉजिक है। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, स्टार्ट स्टॉप लॉजिक। तो देखिए, स्टार्ट स्टॉप लॉजिक जैसे ही बनाया है मैंने, उसकी बाइनरी से क्या किया है मैंने, टाइमर को कंटिन्यूस पावर सप्लाई दी है। सो टाइमर रन। तो यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे RTO यूज किया है। RTO क्या है, रिटेंटिव टाइमर ऑन। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि RTO काम कैसे करता है और क्या होता है, तो इस वीडियो में भी बता देता हूँ। रिटेंटिव टाइमर का मतलब है रिटेन करना, यानी अपनी जो प्रीवियस वैल्यू थी उसको रिटेन कर लेती है। अब रिटेंटिव टाइमर वर्क कैसे करता है, जैसे ही हम इसकी कंटिन्यूस पावर सप्लाई में इंटरप्ट क्रिएट करते हैं तो ये होता क्या है, इसका एक्यूमुलेटर जिस पोजीशन पर होता है उस वैल्यू को एक मेमोरी में सेव करता है और नेक्स्ट टाइम जब इसको पावर मिलती है तो ये वहीं से उस वैल्यू को फैच करके कंटिन्यूस उसी से काउंट करता है। जैसे हमारी बॉटल मान लीजिए कि आधी फिल हो गई है, तो अब हमें 0 से फिल नहीं करना, उसको सेम उसी पोजिशन से फिल करना है। कहाँ तक, अप टू द टॉप मार्क तक। अगर हम उसको 0 से फिल करेंगे तो क्या होगा, जो उसने पहले से फिल कर दिया था एक्यूमुलेटर की वैल्यू को, वो उतनी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। या एक काम ऐसा समझिए कि एक बॉटल में आपने पहले ही 10 लीटर की स्पेस है और 2 लीटर आपने फिल कर दिया और आप फिर से उसको 0 मान के फिल करेंगे तो क्या होगा, 8 लीटर तक फिल होगा और 2 लीटर आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये RTO काम करेगा आपका। तो इसकी रन करके प्रोग्राम देखते हैं। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो देखिए RTO कितने सेकेंड तक मेरा वॉल्व ऑन है, 7 सेकेंड तक। देखिए 7 सेकंड तक ऑन है और अगेन 2 सेकंड तक क्या हुआ, आपका कन्वेयर ऑन हुआ। तो किस तरीके से वर्किंग है, सिंपल हम स्टार्ट स्टॉप लॉजिक बनाते हैं, बाइनरी से इसको RTO को लैच करते हैं। RTO की डन बिट्स है, जो T40 की डन बिट्स है, हम अनदर टाइमर को ऑन करते हैं। तो जैसे ही हमारा RTO T401 की TT बिट से क्या है, आपका फिलिंग वॉल्व ऑन है और T41 की TT बिट से क्या ऑन है, आपकी मोटर जो कि आपके कन्वेयर की ड्राइव है। और जैसे ही T41 की डन बिट हाई होती है तो क्या होता है, एक्यूमुलेटर दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों के एक्यूमुलेटर को रीसेट करते हैं 0 के लिए। ओके, तो इतनी सिंपल सी इसकी प्रोग्रामिंग है। इसके सिर्फ 4 स्टेप हैं, पहला स्टार्ट स्टॉप लॉजिक, दूसरा टाइमर रन, थर्ड वन इज ऑपरेशन जो कि आपके TT बिट से हो रहे हैं, T40 की TT बिट और T41 की TT बिट से मोटर आपकी ऑन, और जो
चौथा पार्ट है कंटिन्यूस चलाने के लिए, वो है आपका रीसेट, जो कि आपके डन बिट की हेल्प से बना हुआ है। तो इसको हम दे देते हैं रीसेट। तो सिर्फ यहाँ पर हमने सिर्फ चार रंग की हेल्प से हमने इसको क्रिएट किया है बॉटल फिलिंग का। एक सिंपल सा क्वेश्चन था और हमने इसको डिजाइन किया है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम कोई एक अनदर क्वेश्चन, वो हम किस तरीके से डिजाइन करेंगे। तो स्टे ट्यून दोस्तों और सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही नई नई लॉजिक क्रिएट करते रहिए। और अगर आपसे क्रिएट ना हो और आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं और कमेंट में भी पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल दोस्तों, थैंक यू।